be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Good morning. तो कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम मस्त हूँ. आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे. तो अभी सुबह का रूटीन स्टार्ट और रूम को मैं ठीक ठाक कर रही हूँ, पर करके कोई फायदा नहीं है. ये भी पता है जब मैं इस रूम से बाहर जाऊंगी ना, तो ऑस्कर माइलो आके अपना मन मर्जी यहाँ पे चलाएगा और मम्मा को बार बार आके इसे ठीक करना पड़ेगा. बाय द वे, करना तो पड़ेगा ही, बच्चे अगर होंगे तो बदमाशी तो करेंगे ही. बहुत दिनों से ये जो बड़ा सा वास है ना, तो इसे मैंने क्लीन नहीं किया है, तो आज मैं इसे क्लीन भी करूंगी और जो फ्लावर है ना उसे भी क्लीन करूंगी, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन जब लोग आएंगे तो सारी चीजें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. और एग्जैक्ट वही डेट में वही दिन अगर मैं सारी चीजें करना चाहूँ ना, तो कुछ नहीं कर पाऊंगी. उसके ऊपर से कुकिंग वगैरह है, खुद को अच्छे से तैयार करना है, तो सब मिला के नहीं हो पाएगा. तो एक एक करके ये क्लीनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो मैंने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है. एक्चुअली बड़े बड़े जो चीजें है ना वो क्लीन करने के लिए ये बैकयार्ड एकदम बेस्ट जगह है. और यहाँ पे नल लगा के तो मैंने बहुत अच्छा किया. ये अभी मैं खुद ही रियलाइज कर रही हूँ कि ये जो बैकयार्ड है इसे धोने में काम आ रहा है, क्योंकि मिथुन ने कहा था कि बाहर जब एक सिंक है, सिंक पे जब नल है, तो एक्स्ट्रा नल लगाने की क्या जरूरत है. मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे एक नल लगाते हैं ना तो पेड़ पौधों में पानी देना. और बाल्टी तो वैसे भी, ये जो बकेट है ना, बकेट तो वैसे भी सिंक में नहीं आएगा बड़े बड़े बकेट से, तो बकेट्स को भरने के लिए यहाँ पे एक नल लगाना बहुत जरूरी है. और अभी देखिए कितनी काम आ रहा है ये मेरा. और बड़े बड़े जो कारपेट्स है वो अगर मैं क्लीन करना चाहूँ तो बैकयार्ड में आराम से उसे ऐसे बिछा के दिन ये जो नल है यहाँ से पानी ला के मैं आराम से क्लीन कर पाऊंगी, और जो कि बहुत ही जल्दी मैं करने भी वाली हूँ. तो इस बैकयार्ड में पूरा टाइल्स लगा के मैंने तो एक चीज़ बहुत अच्छा किया, मेरा खुद का ही काम आसान हो गया. और ये जो जेड प्लांट लाई थी ना, तो ये इंडोर नहीं है, ये मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा पता नहीं था. तो मैंने जब नर्सरी में बोला था, उन लोगों ने कहा था कि ये इंडोर प्लांट है, तो मैं लेके आ गई. पर आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे पता चला कि इसे धूप में भी रखना चाहिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट नहीं है बिल्कुल भी. तो अभी इसे मैंने बाहर दे दिया है, मतलब जब धूप आती है तो बाहर ला के रखती हूँ, और जब शाम के टाइम होते हैं तो अंदर ले लेती हूँ. तो अंदर की खूबसूरती रात को और बाहर इसे धूप दिखाने के लिए बस दे देती हूँ, तो ये फ्रेश भी रहेगा और किचन का जो खूबसूरती है उसे भी बढ़ाएगा. बिस्ना जी ने आज पता नहीं कैसे बैकयार्ड को क्लीन किया है, पर मिट्टी मिट्टी है और काफी धूल भी लग रहा है, इतना ज्यादा क्लीन नहीं है. तो इसे यहाँ पे जब मैंने काम किया ही है तो और एक बार अच्छे से धो देते, अदरवाइज यहाँ पे ना हम लोग दो आते जाते रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि टेबल चेयर से, तो यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ा सा गपशप करते हैं, और ऑस्कर मेलो भी घूमता रहता है, तो मिट्टी विट्टी नहीं आएगा पैर में. और जो आप रेगुलरली यूज करो वो जगह अगर नीट एंड क्लीन रहता है तो आपका घर के अंदर भी क्लीन रहेगा, अदरवाइज ये मिट्टी तो पैर के साथ साथ चला जाएगा घर पे. और हाँ, एक चीज, जबकि इस जगह को मैं अच्छे से क्लीन रख रही हूँ ना, मतलब पहले भी रखती थी, पर बहुत दिनों तक की इस जगह को मैंने बंद करके रखा था, ऑस्कर मेल को आने नहीं दिया था, तो उन लोगों का जो सूसू पॉटी करने का जो आदत है यहाँ पे वो छूट गया. तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे चाय पीती हूँ, आसपास में ये लोग अगर सुसु कर देते ना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा. तो बाहर का काम कंप्लीट हुआ और अभी मैं लंच बनाऊंगी. लंच में आज ज्यादा कुछ नहीं, बस पॉप द फिश है उसे मस्टर्ड सीड्स और पॉपी सीड्स के साथ बना लूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, और बस राइस और कुछ नहीं. आज घर का क्लीनिंग का काम थोड़ा सा ज्यादा है और आज बाहर भी निकलना है, तो आज बहुत ही सिंपल सा लंच रख रही हूँ. और हाँ, किसी किसी दिन बहुत मन करता है कि लंच पे ज्यादा ध्यान दू, बहुत अच्छा कुछ बनाऊ, या तो बहुत ज्यादा वैरायटीज कुछ बनाऊ, तो उस दिन बना लेती हूँ. पर आज सिंपल सा फिश करी एंड राइस. तो जस्ट अभी अभी ऑस्कर माइलो का लंच हो चुका है, तो अभी हम लोग खा लेंगे. तो लंच के बाद हम लोग बहुत सोचे, बहुत टीवी देखने की कोशिश की, पर इस हफ्ते कोई कुछ भी अच्छा नहीं आया, ना ही मूवी और ना ही वेब सीरीज. जो भी आया
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सोचा कि नहीं बाहर थोड़ा सा काम है तो वो भी करके आते, घर में टाइम वेस्ट ना करके, और आते वक्त एक कप कॉफी भी पी के आएंगे। नहीं एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान था पराठा कंपनी जाएंगे, अच्छे से पराठा वराठे खाएंगे, थोड़ा मस्त करें, थोड़ा मिल्क वाला लस्सी टाइप का चाय पियेंगे। पर एक्चुअली पराठा कंपनी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर ये शाम के टाइम पे नहीं, मुझे अच्छा लगता है सुबह भी अच्छा लगता है शॉपिंग करना। हाँ ऐसी बात नहीं है, एनिवर्सरी है सामने तो अभी नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना तो बनता है। और वैसे आपको मैं घर जाके कुछ दिखाऊंगी, दिखा दो तुम्हारी मर्जी है, या उस दिन दिखाऊंगी तुम्हारी चीज, तुम्हारी मर्जी। एनिवर्सरी गिफ्ट दिखा देते हैं आपको घर जाके, मैं भूल गई एक्चुअली, तो मैं घर से मैं भूल गई, तो इसके लिए कुछ खरीदारी करनी है वो भी खरीद लेंगे। और पराठा कंपनी जो है किसी दिन सुबह सुबह चले जाएंगे, सुबह सुबह हाईवे पे वो बाहर मतलब बैठ के पराठे खाने का जो मजा है, और साथ में लस्सी, ठंड है उसके बाद भी लस्सी। तो जिस काम के लिए हम आए थे तो वो काम पूरा हो चुका है, तो अभी हम कॉफी पी रहे हैं। चीयर्स। तो हमने जो परचेसिंग किया था वो होम सेंटर में छोड़ के हम कॉफी पीने चले गए थे, तो अभी वो है हमारा, काफी हेवी है ना ये ट्रॉली। होम सेंटर का जो प्रोडक्ट है वो हमने कलेक्ट कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं प्योर में, क्योंकि प्योर से भी कुछ लिया था तो वो भी अभी यहाँ पे पैक करके छोड़ के गए थे बिलिंग करने के बाद, तो अभी वो कलेक्ट करेंगे। जो गिफ्ट है वो मित्र को अपने हाथों से आपको दिखाना चाहते हैं। ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, 16th एनिवर्सरी गिफ्ट। मैंने सोचा था कि उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन एनिवर्सरी है, पर पहले मिल गया तो पहले ही दिखा देते हैं। खोल दूं? हाँ खोल दूं। रिंग, और ये मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे बिना पूछे पहली बार शायद इतना महंगा गिफ्ट मुझे मेरे चॉइस के बिना मिथुन ने मुझे गिफ्ट किया है, और मुझे इतना पसंद आया है मैं आपको बता नहीं सकती। ये गिफ्ट लाने का किस्सा बोलूं? हाँ बोलो। हाँ मैं ऑफिस का काम कर रहा था, करते करते ऑफिस में ब्रेक मिला, तो मैंने इनको बोला कि मैं थोड़ा बाहर से 15 मिनट घूम के आता हूँ। 15 मिनट के जगह 1.5 घंटा हो गया। इन्होंने कहाँ पे हो, और मुझे बोला भी नहीं कि कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कहीं पर भी अगर मिथुन जाता तो एटलीस्ट बोल के जाता कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ये काम बाकी है। मैंने कितनी बार पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। घर पे काम है क्या? घर में नहीं, घर पे कोई काम नहीं है, तुम्हें तो जरूरत फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा झगड़ा करके गया, मैं बोला कि 15 मिनट के लिए जा रहा हूँ, उसमें भी क्यों इतना सवाल कर रही हो। और हमारे यहाँ पे तनिष्क का एक नया शोरूम ओपन हुआ है, इसका भी एक किस्सा है। क्यों 1.5 घंटा लगा? ये जो स्टोर है मैं जिस दिन गया उसी दिन ओपन हुआ। आई एम द फास्ट कस्टमर, मतलब बिलिंग उस दिन सुबह ओपन हुआ लेकिन बिलिंग किसी ने नहीं किया, मैं पहला कस्टमर हूँ जिसने बिलिंग किया है। तो इसीलिए बिलिंग में 40 मिनट लगा, और उन्होंने हमारा एड्रेस लिया है, जबकि फर्स्ट कस्टमर है तो एड्रेस लिया है, कुछ गिफ्ट कुछ भेजेंगे तो इसलिए। पर वो तो बात की बात है, मेरे लिए अगर एक ड्रेस भी मिथुन लेते हैं ना तब भी मुझे मतलब मेरे पसंद के हिसाब से लेते हैं कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद चेंज करना ये सब बहुत। मैंने शायद जिंदगी में एक या दो बार ही तुम्हें बिना पूछे ड्रेस गिफ्ट। हाँ जिस साल शादी हुई थी उस साल पैंटालून से मेरे लिए एक स्वेटर लाए थे विंटर, तब हम गुवाहाटी में थे तो मुझे पूछे बिना मेरे लिए एक स्वेटर लेके आए थे, हाईनेक और ब्लैक कलर का हाईनेक और स्लीव डिस, बहुत खूबसूरत था वो भी, मुझे बहुत पसंद आया था, और कुछ याद नहीं आ रहा। और उसके बाद कलकत्ता सिटी सेंटर से मैं और हाँ वो भी एक एनिवर्सरी में एक मैं और मेरा दोस्त था तन्मय बोल के, वो गए थे एक टॉप लेके आए, वो भी ब्लैक कलर का ही था, वो भी ब्लैक था और बहुत खूबसूरत था वो। और इतना महंगा गिफ्ट फर्स्ट टाइम मेरे चॉइस के बिना, मतलब मुझे पूछे बिना मेरे लिए लेके आए, एंड ट्रस्ट मी मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही मिथुन का दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। और मैं उस टाइम में ना मैं भी आ रही हूँ इनकी तरह बिल्कुल,
कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिथुन कुछ ऐसा लेके आएंगे, क्योंकि 15th एनिवर्सरी था तभी मुझे कुछ गोल्ड नहीं दिया तो अभी क्या देंगे। ठीक है, अभी तो 6th एनिवर्सरी है, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सच बोलो तो 15th एनिवर्सरी में मेरे देने का पूरा प्लान था लेकिन घर के लिए नहीं दे पाए। घर कार कार तो उसके 3-4 महीना बाद पर कुछ लेंगे ऐसा कुछ हमें सोचा था। बात चल रहा था लेकिन घर के लिए पूरा मतलब पूरा ड्रेन आउट था मैं, तो इसीलिए मतलब सोच के भी नहीं कर पाया था। तो इस बार थोड़ा ठीक है। और शायद ये 16 साल में पहली बार कुछ गोल्ड का गिफ्ट मैं तुम्हें गिफ्ट के हिसाब से दे रहा हूँ। ऐसे गोल्ड मतलब गिफ्ट के हिसाब से ये पहली बार दिया है, मगर अभी तक मेरे ब्लॉग में 7 साल हो गए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कभी शायद आपको नहीं दिखाई कोई भी गोल्ड चीज के मैंने खरीदी है, मिथुन ने मुझे गिफ्ट किया, ये पहली बार दिखा रही हूँ। ये भी एक स्पेशल चीज है। प्लीज वो प्रपोज करने के टाइम उड़ी हुई भाई वैलेंटाइन वैलेंटाइन मंथ भी आ रहा है सब मतलब पूरे साल के लिए ये इसे कहता है बचत। डिशवॉशर होने से एक चीज तो है, जितने भी कांच के जार से जितने भी ऐसे बोर्ड वगैरह है ना, इसका टेंशन तो मेरा गया, क्योंकि ये सारी चीजें बिना टूटे मैं इसे क्लीन कर पाती हूँ। बिकॉज पहले मेरे पास जो भी सिरेमिक का या ग्लास का जो चीजें थे ना, मेरे जो हाउस हेल्पर से उनको तो मैं कभी नहीं देती थी, मैं खुद इसे क्लीन करती थी, फिर भी मेरे हाथ से कभी कभार टूट जाता था। तो एक चीज तो है, ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये तो काफी भारी है। ओ ये भी निकल गया, यहाँ पे सोप लिखा हुआ था ना, ओहो ये निकल गया, देखो मैंने देखा नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर जार तो अच्छे से क्लीन हुआ। तो आप ऐसे किसी ने मुझे कॉमेंट किया था लास्ट जो ब्लॉग गया था उस लास्ट ब्लॉग में कि ये जो जार है ग्लास जार वुडन लीड ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने अमेज़न से लिया है। इस लीड की तो आप बात कर रहे थे ना, और ये अलग से जार है, ये भी मैंने अमेज़न से लिया है, एक में गोविंद भोग राइस और एक में मैं अभी डालने वाली हूँ डालडा वनस्पति, अमेज़न से मंगवाई थी तो आ गया, तो इसे अभी इसके अंदर डालने वाली हूँ। किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है तो अभी जाएंगे सोने में। भी ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हो, पर कल है पोष संक्रांति तो इसके लिए कुछ तैयारी भी करना था, तो वो सब भारती सिटी गए थे, थोड़ा शॉपिंग किया और घर की चीज़ें एक्चुअली एनिवर्सरी पर्पस में, और उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद जो आपको दिखाई ना मैं वो रिंग, उसके बाद फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि टी हार्ट में चलो जाके कॉफ़ी पी के आते हैं, और फिर वापस गए। आने के बाद वापस जब गए थे तो उस टाइम में राइस फ्लावर और कोकोनट वगैरह जो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, गुड़ तो पहले ही लाई थी 2 दिन पहले, तो ये सब लेके फिर घर लौटे। घर लौटने के बाद ऑस्कर मेलो को खाना खिलाना, बाहर के बच्चों को खाना खिलाना, देन पूरा किचन क्लीन करना, और कल है आर्यन का भी छुट्टी, मिथुन का भी छुट्टी। वैसे US में पोस्ट संक्रांति नहीं है पर कुछ एक बैंक हॉलीडे या ऐसा कुछ है तो जिसके कारण मिथुन का भी छुट्टी है, तो एक लॉन्ग वीकेंड मिला हमें। तो कल मिथुन जाएंगे बाइक राइड पे, मतलब ये यहाँ पे जो भी ग्रुप है बाइकर ग्रुप, तो ग्रुप के साथ जा रहे हैं नंदी हिल, सुबह 5 बजे जाना है उनको, 12-12.5 बजे तक लौट आएंगे, तो उससे पहले मैं अपना पीठा बनाना शुरू कर दूंगी। सोच रही हूँ कि कल जब ये सब पीठा वगैरह बनाना है, मतलब पूरा एक लंच पूरा मैं बनाऊंगी अपनी तरीके से, एंड ऑब्वियसली भेज ही होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मिथुन जब तक बाहर रहेंगे तब तक मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। मिथुन जब आते हैं ना, मतलब मिथुन जब घर में रहते हैं तो इतना ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि दोनों मिलके ना काम के बीच बीच में जो ब्रेक मिलता है तो आधा ही हो जाता है नॉर्मली, इतने सालों से अभी यही आदत बन गई है। पर जब भी मिथुन बाहर रहते तो उस टाइम में मेरा करने का और कुछ होता नहीं है, तो तब थोड़ा जितना भी काम किया जा सके उतना ही मैं करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा काम मिथुन आने के बाद भी फटाफट से सारा काम हो जाए, तो बस यही है।
तो पूरा दिन बहुत अच्छा गया। और कोई भी अगर फंक्शन वगैरह कुछ होता है ना, तो उसका प्रिपरेशन करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो पहले से प्रिपरेशन करो। तो घर के सारे लाइट्स आप ये ऑफ कर देते हैं और कल सुबह मिथुन को जल्दी से उठना है। एक्चुअली 5 बजे निकल रहे हैं, सुबह 5 बजे, तो इसलिए जल्दी भी सोना है। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।